Hi guys. Before we start the episode, we would like to thank our sponsors, OctaFX. And forex trading is a growing market, and OctaFX is a great tool for smooth learning. In their educational base, you can enhance your skills easily. In their Urdu webinars, free demo accounts, and up-to-date analytics, you can adjust your market easily. And there are different payout and deposit options available, which are different Pakistani bank accounts already available. So you can always put your money in your account. And good news guys, you can now boost your forex experience with a 100% bonus on your first deposit using the Safarnama promo code. You can find the download link in the description below. The worst year of my life. Or was it actually the best? It all started with this. देखने में कितनी मासूम सी चीज है ना ये, but in reality, this is a bioweapon. थोड़ा सा नाक में गया नहीं कि यू नो इस पेंडेमिक की सबसे बुरी बात क्या है, अब इंसान खांसने या छींकने से पहले 10 बार सोचता है. 2020 से पहले मैं जिंदगी में 2599 बार छींक चुकी थी बगैर किसी टेंशन के. और फिर प्लेन में छींकना 2020 में, यू कैन फिगर आउट द रेस्ट. वापस रखो, एक नगर दे देंगी तो मर नहीं जाएंगी. एवरी कैलोरी काउंट्स. पाजी यार, और कितनी कैलोरीज काउंट करेंगी, अब शादी के बाद तो वैसे ही मोटा होना है आपने. पुट इट बैक. अबे यार लग रहे पिंपल हो जाए आपको. एनीवे, यूके जा रही थी मैं, एक छोटी सी गलती हो गई थी बस मुझसे. प्लेन में दिए ऑमलेट पर ये ब्लैक पेपर डाल दी थी मैंने, ऐसी छींक मारी कि पूरा प्लेन पागल हो गया. बस फिर क्या होना था, स्टॉप ओवर पर क्रू ने मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया अपनी डेस्टिनेशन से मीलों दूर टर्की में. चौदह दिन क्वारंटीन सेंटर में डाल रहे थे मुझे, 14 दिन. इतना टाइम तो मैं शॉपिंग सेंटर में ना गुजारूं. मैं तो भाग निकली वहां से. अंग्रेजी भी नहीं आती, कहां फंस गई हूं मैं. क्या बोल रही है? ओ भाई मुझे माफ कर दो. चार बार कॉल कर चुकी हूं, भाई फोन ही नहीं उठा रहे. वो मेरे भाई ना यूके में रहते हैं, उन्हीं के पास जाई थी मैं आगे पढ़ाई करने. तुम बात किससे कर रही हो? अब तुम चुप करो. ओ अभी टाइम नहीं है, बट फिर कभी सुनाऊंगी, बहुत ही लंबी कहानी है. देखो मैं घर फोन नहीं कर सकती. तुम्हें पता तो है मेरे अब्बा मेरे अकेले ट्रैवल करने के कितना खिलाफ थे, अगर उन्हें पता चल गया मैं टर्की में फंस गई, वो तो अम्मी गला दबा देंगे. कोई नहीं, देर पसली के तो तुम्हारे अब्बू हैं, उल्टा आंटी उनका गला दबा देंगी. तुम चुप करो. तुमने बताया था तुम्हारा एक कजन रहता है टर्की में, वो बबलू. वो बताओ कहाँ मिलेगा? अब तो काफी सेट हो गया है, मुझे तुम्हारे कजन की हेल्प चाहिए, रिश्ता नहीं. अब बताओ कहाँ है? यार मुझे सही से याद नहीं, बट आई थिंक वो तकबा में रहता है. एक काम करो, तुम मुझे 15 मिनट दो, मैं उससे एग्जैक्ट लोकेशन और एरिया पूछ के बताती हूँ. ठीक है यार सुनो, 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं. ठीक है, मेरी हालत ख़राब हो रही है यहाँ पे, मैं अकेली हूँ. अब माई लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस. ओके, डोंट वरी, आई गॉट इट. हाँ ओके बाय. अभी मूड नहीं है बात करने का, बाद में.
इससे पहले मैं पाकिस्तान से तो क्या कराची से कभी बाहर नहीं गई, और जाती भी क्यों, पूरा ख़ानदान सारे दोस्त वगैरह सभी तो थे, कभी कोई वजह ही नहीं बनी। बचपन से लेके आज तक मेरा सिर्फ एक मकसद, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, पहले स्कूल जाके फिर ट्यूशन जाके फिर कॉलेज जाके और अब यूके जाके, लास्ट स्टॉप था ये मेरा, उसके बाद तो शादी हो जाएगी। वैसे शादी तो मेरी यहाँ भी हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, वरना यूके का सारा प्लान रह जाएगा। बस अगर नेहा ने मुझे जल्दी से कॉल नहीं की ना तो मैं तो गई। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा भाई है, क्या दुआ इंग्लिश क्यों नहीं है, सीखा भी नहीं है। पैसे पैसों की जगह तो है पर पैसे कौन से डालूं, डॉलर है। एक्सक्यूज मी, आर यू डन? सॉरी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए। एक्सक्यूज मी, आप पाकिस्तानी हैं? शक्ल से क्या लग रहा हूँ आपको? ऐसी शक्लें तो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका कहीं की भी हो सकती हैं। क्या? सॉरी, वो मेरा बहुत ही बैड टाइम चल रहा है, वो मुझे तो आज प्लेन से भी बाहर, फिर कभी बताऊँगी, लॉन्ग स्टोरी। सिर्फ ये बोलूँगी कि आई एम इन बिग बिग ट्रबल, अब दुआ करो उसको मेरी मासूम शक्ल पर कुछ रहम आ जाए। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? बोलिए। शुक्र। अच्छा अच्छा, मैं आपको एक आम से टूरिस्ट समझ बैठा जो चौड़ेपन में अकेले चली आई। अकेली तो मैं इस दुनिया में भी नहीं आई थी जी। वो मैं और मेरी कज़न ना एक दिन पैदा हुए थे, सो आई हैड कंपनी। पता नहीं क्या बकवास कर रही हूँ, अब आप ही बताइए ना मैं क्या करूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, एक दोस्त है मेरा पाकिस्तान एम्बेसी में काम करता है, आई एम श्योर वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। चलें, आप कहते तो मान लेते हैं। तो चलें। असल में वो फ्लाइट लेने से पहले मैंने पैनिक के मारे पूरे दिन कुछ नहीं खाया, फिर फ्लाइट में नाश्ता आया ऑमलेट, उस पर मैंने डाली ब्लैक पेपर, आई लव ब्लैक पेपर, उस ब्लैक पेपर से ना छींक आई बहुत ज़ोर की मुझे और जहाँ से निकाल दिया। टेंशन नहीं मारे मुझे, हो गया बुखार, उन्हें लगा कोरोना है, टेस्ट आया नेगेटिव, पर तब तक फ्लाइट जा चुकी थी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। ओके, कुछ खा लेते हैं पहले। आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे इंसान नहीं है। चले। यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। इस वक्त मुझे इतनी भूख लगी हुई है, मैं घास तक खाने को तैयार हूँ, यहाँ तो फिर भी पिज्ज़ा मिलता है। हाँ, पहले आप हाथ धो लें, मैं आपका यहीं पे वेट कर रहा हूँ। अच्छा, फिर ये वाला मत खाएगा, हाँ इसमें मेरी खास नज़र है। चलो। खाना खाने का रिकॉर्ड छोड़ देना। छूटा कमीना उल्लू का पट्टा। इतना डर तो मुझे एयरपोर्ट से निकलते हुए भी नहीं लगा था।
Bye guys. Thank you so much for watching the first episode. अगला एपिसोड आ रहा है next week, so stay tuned for that. Imagination Pictures को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके.